everyone is welcome at CLI IIT Gandhinagar, where we make, break, tinker around, and most importantly, have fun. यहाँ आके मुझे honestly speaking जो feel आया वो ये था कि जैसे मैं MIT campus में घूम रहा हूँ. ये आपके लिए. What is that? अरे ये चरखा है आपके लिए. अरे वाह, अरे वाह. ये light पैदा करता है. This is awesome. This is awesome. इस अब जैसे मतलब गारंटी से कह रहा हूँ आप जो है 10,000 डिजाइन्स देख लो पेपर पे लाइट कैसे जनरेट होती है आप नहीं समझ पाओ मतलब एग्जाम में तो लिख के पास हो सकते हो लेकिन एक्चुअली उसका फील नहीं आ पाता कि लाइट जनरेट कैसे होती है कैसे बनती है बताइए छोटे से एग्जांपल से एकदम क्लियरली पता चल जाता है कि लाइट कैसे जनरेट हो रही है दिस इज इनक्रेडिबली ऑसम दिस इज ऑसम इनिशिएटिव आपका मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं बिसाइड्स माई पुलिसिंग जॉब अपने खाली टाइम में या सैटरडे संडे को मौका देखकर जगह जगह जाता रहता हूँ सभी कॉलेजेस में जाता हूँ IIMs में जाता हूँ IITs में जाता हूँ और साइंस के लिए तो ज़बरदस्त पैशन बचपन से ही रहा है एंड यहाँ आकर जब मैं बाहर आ रहा था तो विंडो से ही मुझे देखा कुछ कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग इसी कमरे में आने वाले हैं तभी मैंने मनीष से कहा कि लगता है कि डायरेक्टर सर ने रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कुछ हो रहा है एंड सडनली वो मेरे को यहीं पर लेकर आ गए MIT के अंदर और जो अपनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर जो मेजर फ़र्क था वो ये था कि यहाँ पे सिर्फ किताबें 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 होती हैं वहाँ पे अंदर घुस के आपके अंदर जो फील आता है कि एकदम रिसर्च का फील आता है कुछ नया हो रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है उसमें कुछ फ़न है कुछ एंटरटेनमेंट है तो वो हमको फोर्स करता है आगे सीखने के लिए लर्न करने के लिए वो चीज़ हिंदुस्तान में बिल्कुल मिसिंग है यहाँ पे बहुत ही हर चीज़ जो बहुत आसान है उसको भी बहुत ही ड्राई तरीके से पढ़ाते हैं लेकिन मैं मनीष भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हमारे देश में भी वो चीज़ें शुरू हुई हैं और आप लोग इस बात को बिल्कुल मत मानिए कि आपकी रिसर्च में आप ही छोटा सा पेन बना रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च जो होती है बड़े बड़े काम जो होते हैं वो छोटे पेन से ही शुरू होते हैं तो दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं हम सब जानते हैं वो छोटे से गिरा से ही शुरू हुई है एक छोटा सा आइडिया होता है तो जो आपका जो सबसे बड़ा काम है कि बच्चों के अंदर आप आइडिया को जर्मिनेट कर रहे हो आइडिया को आप पानी दे रहे हो और जो इतने सारे बच्चे हैं बैठे हुए हैं इतने सारे यंग ब्रेन्स जो IIT में आ रहे हैं आई एम श्योर अगर आपने उनको ये आइडियाज़ दिए तो वो कहीं ना कहीं एक दिन हो सकता है कि अगला फेसबुक या अगला नया क्रिएशन जो IoT पे चल रहा है वो हिंदुस्तान से हो साइंटिस्ट थे डॉक्टर यशपाल सिंह साहब उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन दी थी इसके लिए अभी उनका देहांत हुआ है दिवंगत हुए हैं तो उनकी एक लाइन बहुत ही प्यारी थी उन्होंने कहा था कि साइंस का चस्का लगा दो बच्चों चस्का वर्ड उन्होंने यूज किया था बच्चों को अगर आपने चस्का लगा दिया तो फिर वो अपने आप करेंगे बिल्कुल तो ये जो आप जो काम कर रहे हैं ये बेसिकली चस्का लगाने वाला काम कर रहे हैं आप उनको चस्का लगा रहे हैं चस्का लगा माई पॉइंट इज दैट कि अब मेरी ड्रीम ये लग रही है आपसे मिलने के बाद कि अगली रिसर्च पर आएगा तो पता चलेगा कि उस लड़की ने IIT गांधीनगर में ये चीज़ बनाई है दैट वुड बी माई ड्रीम नाउ सो माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू